नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत और नेपाल के बीच अचानक से ऐसा क्या हो गया कि नेपाल का पूरा रुख ही बदल गया है? वो ऐसा लग रहा है कि चीन के इशारों पे हिंदुस्तान के ऊपर गुर्रा रहा है, वो नजरें तरेर रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है? कई लोग परेशान हैं, कई लोग कह रहे हैं भाई मोदी सरकार की नीति खराब है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चीन के कहने पे कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वहाँ के इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये मसला ही कुछ ऐसा है कि जो इसमें बहुत कह सकते हैं कि बड़ा स्कैंडलस मामला है कि जो वहाँ पे प्रधानमंत्री है वो अजीबोगरीब फैसले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लोग नेपाल के यही कह रहे हैं कि वो हनी ट्रैप में फंस गए हैं। अब ये हनी ट्रैप होता क्या है? हनी ट्रैप ये होता है कि जब कोई देश दूसरे मुल्क के किसी अधिकारी को, सेनाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, किसी को भी किसी महिला के जरिए इन्फ्लुएंस कर दे। अब आप समझे, इन्फ्लुएंस कर दे महिला के जरिए। तो ओली साहब जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि किसी चाइनीज महिला के हनी ट्रैप में शायद वो फंस गए हैं। अब ये बात वहाँ पे सोशल मीडिया में चल रही है, बातचीत हो रही है। जब हमने खंगाला कि भाई ये मसला क्या है, तो यकीन मानिए ऐसी ऐसी बातें समझ में आई है कि जिसे सुनकर आपको भी थोड़ा मज़ा भी आएगा, क्योंकि स्कैंडलस चीज़ सुनने में थोड़ा ज़्यादा आनंद आता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेपाल की इस सरकार, वामपंथी सरकार की वजह से भारत के साथ जो बेटी और रोटी का जो रिश्ता था उस पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नेपाल इस पोजिशन में नहीं है कि वो भारत के साथ, आप ये कह सकते हैं कि रिश्ते खराब करके सर्वाइव कर जाए। और ये बात कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी और आम जनता जो नेपाल में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि चीन उनका इस्तेमाल कर रहा है। और अब खबर ये आ रही है कि नेपाल में करीब 10 ऐसे इलाके हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पे चीन ने वो इंटरनेशनल जो लाइन है उसको ही बदल दिया है। और विपक्षी पार्टियां भी वहां पे अब कोहराम मचा रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, ओली के खिलाफ पूरा माहौल बन रहा है। और ये माहौल क्यों बन रहा है? क्योंकि तस्वीरें, अब ये तो झूठ नहीं बोलती, कोई ऐसा तो नहीं है कि चीनियों की तरह यहां पे प्रोपेगेंडा हो रहा है नेपाल के लोग, वहां पे तस्वीरें आ रही है, गांव के गांव चीनियों ने नेपाल से छीन के वहां पे अपना जो है वो पत्थर वगैरह लगा दिए और अपना इलाका घोषित कर दिया है। अब देखिए ये जो ये तस्वीरें, ये गांव की तस्वीरें हैं, और ये सारे गांव जो पहले नेपाल के साथ थे ये सब अब वहां वो चले गए हैं चीन में। कोई हाईवे है, मालूम चलता है कि वहां पे एक पत्थर लगा दिया, वहां पे उस चाइनीज में कुछ कुछ लिख दिया, उसे अपना इलाका घोषित कर दिया। और नेपाल की इसको कह सकते हैं कि साहसी वामपंथी सरकार है और चीनियों के सामने उनकी हालत पतली हो जाती है। अब वो कैसे अपने आकाओं के खिलाफ ही एक्शन लें, कैसे वो सवाल भी खड़ा करें? इंडिया के खिलाफ तो आपने चीन के कहने के ऊपर आपने एक नया मैप बना दिया और ये घर घुस गए हैं, और नेपाल की सरकार ने चूड़ियां पहन रखी है, अभी तक कोई प्रोटेस्ट भी दर्ज नहीं कराया है। और इसलिए वहां की विपक्षी पार्टियों ने बकायदा एक रेजोल्यूशन मूव किया है, वह अखबार में खबरें छप रही है, सोशल मीडिया पे बवाल मच रहा है कि चीन उनकी जमीन हड़प रहा है और सरकार चुप है। और इस चुप्पी की वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है, एक तस्वीर देखिए, ये चीन नेपाल के अंदर घुस जा रहा है, और ये देखिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर से बातचीत कर रहे हैं, ये तस्वीर जारी हुई है, ये हाल फिलहाल की तस्वीर है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, यहां से वहां से, वहां से इनको ट्रेनिंग मिलती है। अब क्या ट्रेनिंग देगा चीन, क्या ट्रेनिंग देगा चीन कि नेपाल को कैसे बर्बाद और तबाह करना है, कैसे वहां के जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माओइस्ट और शी जिनपिंग के जो है विचारों को नेपालियों को सिखाना है? क्या तमाशा बनाकर रखा हुआ है इन वामपंथियों ने? ये तो शुक्र है कि हिंदुस्तान के लोगों ने इन्हें इनकी जगह, इनकी औकात दिखा दी, लेकिन नेपाल की भोली भाली जनता इनके चंगुल में फंस गई। और इसमें कुछ
गलतियां जो हिंदुस्तान की भी पॉलिटिकल पार्टीज की है, जिसकी वजह से आज वामपंथी जो कल बंदूक लेकर के घूम रहे थे, लोगों को मार रहे थे नेपाल में, वो सत्ता पे बैठे हुए हैं। अब सवाल यह है कि चीन किस तरीके से ओली को क्यों मदद कर रहा है। तो वहां कुछ आप पहले एक दो तीन तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें बड़े ऐसा लगेगा आपको कि ये कोई मॉडल की तस्वीर है, ये कोई मॉडल नहीं है, ये चीन की एम्बेसडर है हाउ यानकी, और ये बहुत कमाल की महिला है, उम्र भी कम है और तेज तर्रार बहुत ज़्यादा है। ये चीन में जब थी तो जो साउथ एशिया का जो मसला है उसमें जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वहाँ बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया था, और ये 3 साल तक पाकिस्तान में भी रही, और पाकिस्तान में भी ये उर्दू बोल सकती हैं, तो उर्दू बोल सकती हैं तो हिंदी भी बोल लेंगी, हिंदी बोल सकती हैं तो नेपाल में बातचीत भी हो सकता है। ये सारे जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स हैं नेपाल में, वो सब की पढ़ाई हिंदुस्तान में ही हुई है, ये लोग सब हिंदी बोलते हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। और बताया ये जाता है कि ये ओली साहब से बहुत ही नज़दीक हैं, इतनी नज़दीक हैं कि ये बिना रोक टोक के ऑफिस चली जाती हैं उनके प्रधानमंत्री के, बिना रोक टोक के उनके घर चली जाती हैं। और ये तस्वीरें कुछ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोई एम्बेसडर उस तरह के एम्बेसडर नहीं है, ये सारे प्रोटोकॉल्स को जो है इन्होंने ताक पर रख दिया है। इसका जब मन करता है इनकी धाक ऐसी है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और चीन की वो एम्बेसडर है, और कई जगह पे जो चीन से जो बातचीत का वो समझिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और नेपाली कम्युनिस्ट जितने हैं उनके बीच की वो एक मीडियम है, उसी के जरिए सारा कुछ होता है। तो इनका जो रुतबा जो है वो किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं है नेपाल के अंदर में। आप देखिए किसी भी मन करता है इनको किसी मिनिस्टर को बुलाना घर, तो वो मिनिस्टर से, अब कुछ तस्वीरें ऐसे दिखी कोई वो मिल रही है नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं। हिंदुस्तान में कोई भी इस तरह का एम्बेसडर आर्मी चीफ से अकेले में मुलाकात कर सकता है? इम्पॉसिबल है, दुनिया में किसी कंट्री में नहीं हो सकता है, लेकिन ये नेपाल में हो रहा है। कोरोना आया तो मालूम चल रहा है कि भाई जो मीटिंग चल रही है सरकार मीटिंग में जो कर रही है कि भाई कोरोना से कैसे निपटा जाए, वहां पहुंच गई। मतलब नेपाल के इंटरनल मसले में ओली साहब से ज्यादा इस महिला का दखल है, और ये अपने आप में बताता है कि वामपंथी किस तरीके से नेपाल की जो सॉवरेनिटी है उसको इन्होंने नीलाम कर दिया है, चीन का गुलाम बना दिया है। और तो और ये इतनी माने इनको ये जहां जाती हैं पूरा फैन फॉलोइंग के साथ, ये नेपाली कल्चर में भी एक्सपर्ट हैं, बोलने वोलने में भी एक्सपर्ट हैं, और उसके बाद वो डांस वांस भी करती हैं। ये सब तस्वीरें वहां पे माने एक बिल्कुल जिस तरह से हिंदुस्तान में किसी सुपरस्टार एक्ट्रेस जो होती है उनका स्टेटस उस तरह से होता है कि वो जहां जाती हैं मीडिया पीछे पीछे वो उस तरह से। और इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो मैप जब बनाया जा रहा था, वो जो काला पानी लेपु लेक और सबका जो एक जो नया मैप नेपाल जो बना रहा था जिसको पास किया गया है, उस मैप को बनाने में ये सारा अकल ओली साहब को इसी महिला ने दिया, और ये चाहती है कि नेपाल का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ किया जाए। और ऐसे मौके पे जब हिंदुस्तान और चीन के बीच लड़ाई हो रही है, बॉर्डर पे आमने सामने आर्मी है, इस बीच ओली साहब का दिमाग जो है उसको कैसे नचाना है, वो ये महिला नेपाल काठमांडू में बैठ के ये कर रही है। ये इस तरह के बिल्कुल अच्छा, ये सारा ये नेपाल में सारे लोग जानते हैं कि ये जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है ओली साहब के ऊपर, और ओली साहब का क्या है कि इनसे दोस्ती के जरिए इनके ऊपर जो चीन का जो है वरदहस्त रहता है। अब सर बात इतनी नहीं गई, और भी मैसेज देना है, तो वहां पे एक जो नया सिटीजनशिप कानून लेकर के आया गया कि कोई भी महिला, हालांकि ये दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जैसा कि हमने कहा कि ये बेटी और रोटी का रिश्ता नेपाल के लोगों के साथ है, ये सरकार अलग है, नेपाल देश बिल्कुल ही अलग है, उसका चरित्र बिल्कुल ही अलग है, वहां की संस्कृति, वहां का इतिहास, वहां का धर्म, वो बिल्कुल ही अलग है। ये वामपंथी ये बिल्कुल ही
विचित्र किस्म के प्रकृति के लोग हैं जो नेपाल के ऊपर अपना कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं बैकडोर से। अब उसमें हो क्या रहा है कि नया उन्होंने कानून बना दिया कि भाई हिंदुस्तान से कोई लड़की अगर शादी करके जाती है तो 7 साल तक उसको वेट करना पड़ेगा। अभी इतना नहीं हुआ है, एक खबर अभी नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले कुछ दिनों में ओली अगर टिके रहे तो वहां पे एक अजीबोगरीब फैसला हो रहा है कि नेपाल में उन चैनलों को काम करने नहीं दिया जाएगा जो एड्स बीच में चलाते हैं। बताइए, और ये किस लिए? वहां पे सारे लोग इंडियन चैनल्स देखते हैं, टीवी चैनल्स। अब वहां पे जो नेपाल में जो लोग चला रहे हैं उसको अगर वो एड चलेगा ही नहीं तो ये ओली साहब अपने घर से पॉकेट में से पैसा देंगे या चाइना पैसा देगा उनको? तो कहने का मतलब है कि मीडिया को, जो इंडियन मीडिया जो वहां पे ऑपरेट कर रही है, उसको भी वहां से भगाने का इन लोगों ने इंतजाम कर लिया है। अब आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट आया था ओली का कि कोरोना तो नेपाल में कोई कोरोना नहीं है, नेपाल में जो कोरोना आ रहा है वो सिर्फ इंडिया की वजह से आ रहा है। तो इस तरह के बयान, इस तरह की चीजें वो देख करके वो पूरी तरीके से जो ओली सरकार है उसके ऊपर कुंडली मार करके बैठ गई, और इसलिए नेपाल के अंदर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जो महिला है, जो एक एम्बेसडर है, इसका एक प्रोटोकॉल है, वो नेपाल के इंटरनल मामले में पूरा खुली तरीके से वो इंटरवीन कर रही है, जो सही नहीं है। अब सही नहीं है ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन चूंकि वहां पे वामपंथी सरकार में बैठे हुए हैं जो चीन के उसको रहमो करम पे जो है वो जीवित है नेपाल के अंदर में, तो इस वजह से वहां पे ये मसला खराब हुआ है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने कुछ ऐसा फैसला ले लिया, ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अब हो क्या रहा है, वहां की जनता जो है अब ओली के विरोध में खड़ी हो गई है, और कम्युनिस्ट पार्टी का ये जो अलायंस है उसमें भी अब खलल पड़ गया है। अब इनको समझ में आ गया है कि अगर ये चलता रहा तो कम्युनिस्ट पार्टी, हर तरह के जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं वो नेपाल में बिल्कुल ही उनकी पूरी साख जो है वो गर्त में मिल जाएगी, क्योंकि अब बहुत तरह से जो लोग सवाल उठाने लग गए। अभी हाल में कल एक बयान आया जो एक्स किंग जो थे जिनको हटा दिया गया, किंग ज्ञानेंद्र, उनकी तरफ से एक बयान आया है और वो बहुत ही रिमार्केबल बयान है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि दूसरे देशों के साथ जो हम समझौता करते हैं, संधि करते हैं, वो नेपाल की जो का जो चरित्र है, जो नेपाल का जो संस्कृति है, जो इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो सरकार है वो ना सिर्फ कोरोना से जो है वो ना निपट पाई, साथ ही साथ भ्रष्टाचार है, क्राइम हो रहा है, सर मतलब चारों तरफ से वो फेल हो रही है। और इसका, इस बयान का मतलब ये है कि नेपाल जिस तरीके से मोनार्की को छोड़ करके डेमोक्रेसी को उसने अपनाया था, उस सिस्टम का जो एक बदलाव वहाँ पे हुआ था, तो ये जो पूर्व राजा जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो बदलाव हुआ, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ नेपाल की समाज में, वो एक्सपेरिमेंट अब फेल होता जा रहा है। और फेल किस लिए हो रहा है? डेमोक्रेसी इसलिए फेल होता है कि जहां जहां डेमोक्रेसी के नाम पे वामपंथी सत्ता में आ जाते हैं वहां डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। तो ये जो वामपंथी हैं, जब ये डेमोक्रेसी का चोला पहन करके सत्ता हथियाते हैं, तो कोई सत्ता पर बने उसको सिस्टमिक चेंज जिसको कह सकते हैं, कोई पॉजिटिव चेंज नहीं लाते, ये तबाह और बर्बादी करेंगे। और जिस तरीके से ओली साहब का जो बर्ताव रहा है, और जिस तरीके से इस महिला ने नेपाल को एक कॉर्नर में ढकेल दिया है, वो नेपाल के लिए तबाही का सबब। एक तो चाइना इनकी ज़मीन को भी हड़पेगा, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते खराब होंगे, तो कई सारी समस्याएं भी वहां पे खड़ी हो जाएंगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।